एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मेरा पड़ोसी है, उसकी खजूर ऐसे टेढ़ी होकर मेरे घर में चंद उसकी शाखें हैं, उन पे फल लगता है, वो जो टूट के गिरता है मेरे बच्चे उठा लेते हैं, हम गरीब हैं, वो भागा भागा आता उनके मुंह से खजूर निकाल लेता है, उसको कहें कि बच्चों पर इतनी ज्यादती ना करें। आपने उसको बुलाया, वो मुनाफिक था, आपने उससे फरमाया भाई एक सौदा करते हो? कहा जी क्या? कहा ये खजूर मुझे दे दो और इसके बदले जन्नत में मैं खजूर लेके दूंगा। वो कहने लगा या रसूल अल्लाह ये असल में मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, कोई और खजूर होती मैं दे देता, ये तो मेरी माजरत है। वो तो मुनाफिक था, वो उठ के चला गया। एक सहाबी बैठे थे, वो कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर मैं वो खजूर लेके दे दूं तो मुझे जन्नत में ले देंगे? उनका नाम है अबू दाहदाह। आपने कहा हाँ तू मुझे लेके दे दे, मैं तुम्हें ले दूंगा। वो उसके पीछे चले गए, ए भाई कितने में बेचोगे? मैंने कहा जा मैंने अल्लाह के नबी को नहीं दी, तुम्हें कैसे दे दूं? कहा अच्छा भाई मुंह से बोल, मुंह से बोल कितने लेने हैं। तो उसने जान छुड़ाने के लिए कहा कि अपना सारा बाग मुझे दे दे, खजूर ले ले, बाग में 600 खजूरें और ये खजूर किसी और को देनी है। तो कहता है पक्के हो फिरोगे तो नहीं? कहा मैं पागल हूं, मैं फिरूंगा, मुझे 600 खजूरों का बाग मिल रहा है। उन्होंने कहा डन, खजूर मेरी बाग तेरा। वो भागे भागे आए, या रसूल अल्लाह मैंने सौदा कर लिया। कहा कैसे किया? कहा सारा बाग दे के खजूर ले ली। आपने कहा फिर मेरा सौदा भी बदल गया। कम मिन अदकन रदाहा वदारन फयाहा लिअबिद दाहदाहा फिल जन्ना। मेरे साथी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में एक घर नहीं महल बना दिए सैकड़ों, और एक बाग नहीं हजारों बाग तेरे लिए तैयार कर दिए। ये है ईमान की निशानी, ये है मोहब्बत की निशानी।